I'm going to quickly cut across to Santosh Sharma, who is joining us. He's just spoken to the advocate of Mukhtar Ansari. Santosh, boliye ki ye lower court ne announced kiya hai ki Mukhtar Ansari guilty hai, unko life sentence award kiya hai, death sentence. Ye koi provision hai, legal provision hai, jo Mukhtar Ansari ke lawyers ab explore kar rahe hai. Ye case itna lamba kaise chala? देखिए ये जो जो लॉयर हैं ये नित्यानंद राय नाम है इनका और ये उस कोर्ट की प्रोसीडिंग के चश्मदीद हैं और इन्होंने ये आकर के बताया और जो जिन धाराओं में जो आईपीसी के जिस सेक्शंस में मुख्तार अंसारी को गिल्टी पाया गया वो आईपीसी का 147 148 एंड 302 यानी कि आईपीसी के सेक्शन 302 में उनको गिल्टी पाया गया और जो इस सेक्शन के तहत जो पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट है वो फांसी है और अगर मिनिमम पनिशमेंट की बात करें जो सब वो है उम्र कैद लाइफ इंप्रिजनमेंट तो अभी मुख्तार अंसारी को क्या सजा हुई है उसका होना बाकी है. लंच ब्रेक हुआ है, लंच के बाद कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी और वो अपना जो पनिशमेंट है मुख्तार अंसारी को उसका ऐलान होगा. लेकिन इतना जरूर है कि मुख्तार अंसारी 31 साल पहले यानी 3 अगस्त 1991 को हुए इस मर्डर केस में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और कोर्ट अब थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी की सजा का ऐलान करेगी. जी जी संतोष, थोड़ा अविवेश राय के बारे में बोलिए जो विक्टिम है उनको मारा गया था. वो भी एक नेता थे, एमएलए थे. उनका उनकी दुश्मनी थी क्या, मुख्तार अंसारी और अविवेश राय की दुश्मनी थी, ये केस के बारे में हमें कुछ बताइए. देखिए 3 अगस्त 1991 अर्ली मॉर्निंग की बात है, ये करीब 11 से 12 बजे दिन में जब अवधेश राय चेतगंज थाना क्षेत्र चेतगंज पुलिस स्टेशन के लोहरा बीर इलाका है जहां पर उनका घर है, वो घर के बाहर खड़े थे अपने भाई अजय राय के साथ और तभी थाने के सामने से एक वैन से कुछ लोग आते हैं और अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और जिसमें उनकी मौत हो जाती है. भाई जो अजय राय इस पूरे केस के अकेले चश्मदीद थे, उस केस में उन्होंने एफआईआर कराई और इस एफआईआर में 5 लोग नामजद किए गए जिसमें मुख्तार अंसारी राकेश. हमारे साथ जुड़े रहिए आप. आई एम गोइंग टू क्विकली कट अक्रॉस द यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी ज्वाइनिंग अस. चौधरी जी, यहां पर मुख्तार अंसारी को गिल्टी करार कर दिया है लोअर कोर्ट ने, आपका क्या कहना है? ये 32 ईयर्स केस चला है ये. नहीं, मैं निश्चित रूप से न्यायपालिका के प्रति जो हम सबका विश्वास है और न्यायपालिका ने जो आज निर्णय किया हम लोग उसका स्वागत करते हैं और जो भी दोषी हैं अपराधी हैं तो हमारी सरकार का भी संकल्प है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें दोष की सजा उन्हें मिलनी चाहिए. और पिछली सरकारों ने इन पर जो प्रॉपर पैरोकारी सरकार की ओर से सरकार के वकीलों की ओर से होती है वो कहीं ना कहीं उन्होंने लिंगन ऑन करने का काम किया. हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दृढ़ता के साथ सारे साक्ष्य माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराए हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इतने लंबे कालखंड के बाद फैसला आया. लेकिन निश्चित रूप से जो दोषी हैं उन्हें सजा न्यायालय ने दी है और हम लोगों का जो न्याय के प्रति विश्वास है प्रदेशवासियों का वो बढ़ा. जी मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ कहिए, वो बीएसपी नेता था और ये मतलब गुंडागर्दी जो चलती है इनके ये गैंगस्टर कल्चर जो है आपके बीजेपी का. जी मुख्तार अंसारी के बारे में पूरा देश जानता है, पूरा हाँ. प्रदेश जानता है. ये तो जानता आप, है आपका सरकार ने कैसे हैंडल किया है इस तरह के गैंगस्टर्स को, राजनीतिक संरक्षण में किस प्रकार से सरकारों के संरक्षण में उन्होंने अपराध का दायरा बढ़ाया और लेकिन हमारी सरकार के संकल्प के कारण ही इतने लंबे कालखंड के बाद माननीय न्यायालय के ये निर्णय आए हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ. जी थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी फॉर ज्वाइनिंग अस. वेल दिस इज ऑफकोर्स द बीजेपी गवर्नमेंट वेलकमिंग द कोर्ट्स वर्डिक्ट. द वर्डिक्ट विल बी कमिंग आउट एट 2 PM इज व्हाट आवर रिपोर्टर्स टेल अस. बट फॉर नाउ इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड यूपी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी हैज बीन हेल्ड गिल्टी, हैज बीन अवॉर्डेड death sentence, but this is a lower court in Varanasi. It appears as per our reporters that it's very likely Mukhtar Ansari's counsel, his legal help, will be moving Supreme Court possibly to prolong this case. 32 years later he's now been held guilty by a lower court.